दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट राजेश लोधी। इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे आपको, रजिस्ट्री से संबंधित जानकारी है बहुत ज्यादा, आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रजिस्ट्री शुल्क में जो है वृद्धि हो सकती है, जो रजिस्ट्री की फीस है वो बढ़ सकती है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों हर साल जो है रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी होती है अप्रैल के महीने में, और अभी ये जो महीना है मार्च का महीना चल रहा है और अभी कुछ ही दिन बचे हैं रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी हो सकती है, तो आप अप्रैल से पहले अगर आप रजिस्ट्री करा रहे हैं कोई प्लॉट की या सोच रहे हैं अप्रैल में कराने की, तो हम आपको एडवाइस देंगे कि आप जो है अभी जो मार्च के महीने में ही रजिस्ट्री करा लें, तो आप काफी शुल्क जो है अपना जो कोर्ट फीस है रजिस्ट्री शुल्क है उसको बचा पाएंगे। दोस्तों तो अगर आपको ये जानना है कि जो रजिस्ट्री शुल्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकालते हैं, तो इस पर हमारा सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है और उसका लिंक हम आपको वीडियो में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहां से कैलकुलेट करना सीख जाएंगे कि आप खुद अपने प्लॉट या जमीन का रजिस्ट्री शुल्क निकाल पाएंगे, जिससे कि आपके साथ ठगी नहीं हो पाएगी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो को जो हमने बनाने का मेन उद्देश्य हमारा ये रहा है कि आपको जानकारी मिले कि आप 1 अप्रैल से पहले रजिस्ट्री करा लीजिएगा। और दूसरी चीज ये है दोस्तों, अभी जो है महिलाओं के नाम रजिस्ट्री कराने पर छूट चल रही है और आपको जो है स्टाम्प शुल्क में कमी देखने को मिल रही है, तो उस चीज का भी आप लाभ उठाइए, आप अप्रैल से पहले रजिस्ट्री करा लीजिए और कोशिश करिए कि महिला के नाम पे आप रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको जो है रजिस्ट्री शुल्क में छूट मिलेगी। तो इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, और जिन फ्रेंड्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों।